हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत हिंदी। आज का न्यूज टॉपिक है ट्रेंडिंग डेमोग्राफिक चेंज इन नॉर्थ ईस्ट। हेमंत बिश्व शर्मा जी झारखंड का एमपी संसद में बोलता है ये थ्रेट टू आवर लाइफ एंड एग्जिस्टेंस बोल के बोल रहे हैं। आसाम है ये नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट क्यों जल रही है, क्यों मणिपुर जल रही है। इस बीच में पप्पू जिसका हम राहुल गांधी बोलते हैं, मैं बोलती हूँ उसको परमानंद शिष्य, जो कुछ भी करे एक हिंट देते जाते हैं उसको डिकोडिंग करेंगे। वो क्यों बोला इंडिया इज नॉट भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका रियल मीनिंग क्या है? क्या वो पप्पू की तरह कुछ ना कुछ बाल बुद्धि से बोल रहा है? क्या इसके पीछे कुछ राज है जो वो हिंट दे के हमको अगवा करना चाहते है, या वो अपना खुशी में वो बात उनके मुंह से निकल गई? क्यों वो वैसे जय पालस्तीना पार्लियामेंट में बोलने पर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ये जय पालस्तीना का टर्म उन्होंने पार्लियामेंट में जानबूझकर क्यों हुआ? उम्मा की तरफ से वो है बोल के सबको मालूम है, मगर बोलने में का राज क्या है उसको डिकोडिंग करेंगे इस टॉपिक पर कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है। यही मेरा टॉपिक है आज। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगी। भी पॉइंट वाइज हम देखेंगे तो पहला राहुल गांधी बोलता है कि इंडिया इज नॉट भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल के वो इलेक्शन से पहले बोलता रहता है, और उनको डेमोक्रेसी इज इन डेंजर बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाएगा ऐसा बोल के वो 99 सीट्स जीत कर आते है, और जीतने के बाद अचानक मणिपुर जाके आते है। तो मणिपुर का सॉल्यूशन क्या है एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? झारखंड एमपी अभी जागे क्या कि डेमोग्राफिक चेंज कब से हो रहा है? बोले तो 15 इयर्स बैक से ये डेमोग्राफिक चेंज पूरी तरह एक साजिश की तरह हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, जिसको यहाँ के लूटियंस कबाड़ मीडिया हमको ये बोल के चुप करा दिए कि वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी से आने वाले हैं। बाद में रोहिंग्या ऐड हो गए, 2010 से रोहिंग्या आ रहे हैं। इसका सेटलमेंट वोट बैंक के लिए नहीं, लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिकोड करेंगे तो हम इतने भयानक सिचुएशन में हैं कि अब टू फ्रंट वॉर है तो हमारे पास वेपन्स है, ताकत है, हमारे जवान डेडिकेशन, हम कारगिल 25 ईयर्स का सेलिब्रेट करें वो सब हमको दिखे, क्या इंटरनल वॉर के लिए हम रेडी है? ये सारे इश्यूज, ये डेमोग्राफिक चेंज होना, इसको लूटियंस कबाल यहाँ के सारे मीडिया ये बोलना कि बांग्लादेशी आ रहा है वेस्ट बंगाल में, आसाम में, और रोहिंग्या आकर जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, हैदराबाद, केरला में सेटल हो रहा है, ये बोलना एक साजिश है। एक्चुअली रियल रीजन वो कोई बांग्लादेशी नहीं है, सच्चा बांग्लादेशी कभी नहीं चाहता है हिंदुस्तान से दुश्मनी। तो कौन आ रहा है बांग्लादेश से छुपा के आधार कार्ड बना के? ये प्लान साजिश कारगिल 25 होने के बाद भी, 1919 होने के बाद भी, अब अमेरिका ने वेस्ट एशिया को छोड़ दिया क्योंकि वहां पे अब कुछ नहीं है। सीरिया, पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान सब बर्बाद हो गए, जितना लूटना था वो लूट गए, अब वो खाली हो गई। मगर इस देश में, इस युद्ध, ये कोल्ड वॉर के युद्ध में रशिया तो उसका टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई, मगर चाइना को इन्होंने काउंटर नहीं कर पाए। तो उनका टारगेट है अब ईस्ट एशिया, यानी इंडिया का से शुरू होने वाले ये ईस्ट एशिया पर अब नजर है अमेरिका। इसका प्लानिंग कैसे हुआ वो इतना आसान नहीं है। हम मोदी जी को पूरा स्ट्रेंथ नहीं दिया, अब कोएलिशन गवर्नमेंट है, इसीलिए मोदी जी का आंख नमी नहीं हुई इलेक्शन रिजल्ट पर। मगर बॉर्डर प्रोस्पेक्टिव से देखा तो इसीलिए नमी हुई क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज जो इंटरनल वॉर लेके आने वाली है देश में,
वो उसको कैसे टाकिल करा जा सके, क्योंकि हम हिंदू मंद बुद्धि है जो 47 में मजहब के नाम में देश टूटा जा रहा है तो भी हमने जाकर वोट नहीं दिया। मैं हैदराबाद में जब तेलंगाना का इलेक्शंस हो रही है, माधवी लता वर्सेस ओवैसी, मैं सबको बोली आप जाकर वोट दीजिए, मगर कोई हिंदू यहाँ ये हैदराबाद में इसीलिए आता ताकि कुछ प्रॉफिट पा जाए या कुछ एजुकेशन हो, ना है तो सॉफ्टवेयर जॉब कर, ये लोग कोई यहाँ पे सेटल नहीं है। मगर ओल्ड सिटी वाला ये वो वैसी पूरा सेटल कर दिया रोहिंग्या को, सारे वेस्ट बंगाल से मुस्लिम को, और वो ओल्ड सिटी से अब उनका 7 MLAs बन गए। ओवैसी इतना और सेटल अब है हैदराबाद में कि अगर ओवैसी का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन प्रोसेस में दो टुकड़े होंगे, अब ये लास्ट बार है ओवैसी का, इसीलिए जनता ने जितवाया, ये सब नॉनसेंस है। वो जितवाए तो जितवाया, नहीं तो ये लास्ट होगा तो मगर उसका 2 MPs बनेंगे, इतने लोग को सेटल। मगर हम हिंदू खुद अपने रिलेटिव्स को घर में आने नहीं देते। यहाँ पे कोई हिंदू तेलंगाना जिस विषय पर वाटर रिसोर्सेस एम्प्लॉयमेंट के लिए जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश टूटी उसमें से कुछ भी KCR ने नहीं किया यहाँ पे, मगर बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पे सेटल हो गए। यही ताकत है वो वैसी का, यही ताकत है जो माधवी लता जी को हराया। तो यहाँ पे हिंदू का सेटलमेंट नहीं है, ये पार्ट हैदराबाद का। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? हम नॉर्थ ईस्ट में कारगिल वार के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का इश्यू वहां के लोकल पॉलिटिशियंस को सौंप दिया कि वो हर बार जलती रहे, और उसके लिए स्लीपर सेल्स रोहिंग्या को सेटलमेंट करने के लिए वो अब पहले बांग्लादेशी से आते थे, बाद में 2010 से रोहिंग्या आने लगे। मुफ्ती उमर अब्दुल्ला पूरी तरह संभाल लिया जम्मू कश्मीर को, वो रोते रहेंगे, उसको टुकड़े टुकड़े करेंगे, कभी कश्मीर पंडित वहां पे सेटल नहीं होंगे। मगर अचानक 2014 में मोदी जी आया और PDP से अपना रिश्ता बनाया, तो वो लोग कहे ये भी वाजपेयी की तरह कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए वाया रूट बनाएंगे, ये कुछ नहीं होने वाले, उनको भरोसा था। मगर जब आर्टिकल 370 को अब्रोगेशन किया तो इनका सेकंड जो भी थीरी था इंडिया के बारे में वो हाईलाइट होना शुरू हुई। मगर यहाँ के लुटियंस मीडिया, यहाँ के इंटेलेक्चुअल लिबरल्स, ये कम्युनिस्ट हमको अगवा नहीं करते, उनका सेकंड थीरी क्या है? तो वो ये एक रिवेंज था जम्मू कश्मीर के इंडिया के ऊपर, दो सेकेंड रिवेंज था बांग्लादेश को फिर से हड़पने का, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो उनके पास आ नहीं रहा था, तो बांग्लादेश पर उनका नजर नहीं हटा, यही पाकिस्तान ASIS का। तो इनको चाइना से जब मुलाकात हुई, ये कोई बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव, कोई ऑयल लेने के लिए वेस्ट एशिया से कनेक्ट, ईरान से कनेक्ट, तालिबान से रूट, सिल्क रूट बनाने के लिए, एक्सपेंशन देने के लिए उन्होंने बहुत बार कोशिश की और नाकामयाब हुई। इस दौरान जब अमेरिका अपनी नजर अफगानिस्तान, सीरिया या इराक से लगाई, तो इनका डेवलपमेंट पर ना ही अमेरिका ने चाइना पर नजर रखा, ना ही रशिया ने नजर रखा। तो ये इस कोल्ड वॉर में वेस्ट एशिया को जितना लूटना था अमेरिका लूट दी, तो अब पाकिस्तान भी अब बर्बाद हो गई, और इसका नतीजा उनका ट्विन टावर्स में ब्लास्ट, वो भी एक उनका ही खुद का CIA का साजिश है, जिसमें पेमेंट्स देना था वर्ल्ड के लिए, वो पेमेंट्स को जो भी रिसिट्स होते हैं वो उसको दबा देना है, तो ट्विटर्स को ब्लास्ट कर दो। तो ये हुआ अफगानिस्तान का तालिबान का अटैक, ये सब डमी तीरी है जो हर कोई जानता है, आफ्टर ट्विन टावर ब्लास्ट और उसको कैसे ऑपरेशन को अमेरिका ने चलाया। में अमेरिका केवल सोवियत यूनियन को
रशिया बना दी और उसमें नाटो देशों से मिलकर जितना वेस्ट एशिया को लूटना था, इराक को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद किया, लेबनान को बर्बाद किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तान को बर्बाद किया, ये टेररिज्म के नाम पर, और जितना लूटना था वो लूट दिया। और रशिया को काउंटर करते कुरते वो ये भूल गई कि चाइना की डेवलपमेंट क्या हो रही है, चाइना के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास कोई बेसमेंट नहीं है। पाकिस्तान जब से रोड इनिशिएटिव के लिए चाइना के साथ जाना क्या है, ये को नहीं मालूम, मालूम है वो ही ने टिक कराया कि जाओ चाइना से, वो समझे कि पाकिस्तान को बेस बनाकर चाइना पर नजर रखेंगे, क्योंकि जो भी अमेरिका बनाती है उसका डुप्लीकेट चाइना बना रही है, और उसका इकोनॉमी को बीट करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा। ऊपर से उनका कम्युनिस्ट अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज में आकर सेटल हो जा रहे हैं, इसको काउंटर करना है तो ये जो नाटक बना रही है उस नाटक में से पहले से अफगानिस्तान से अपना बेसमेंट निकाल दिया, क्योंकि कुछ यूज नहीं है। टेररिज्म वहीं पे बढ़ रही है, जिसको टैकल करते करते उसका कैपिटलिज्म बर्बाद हो रही है। तो सेकंड थ्योरी क्या सोचा, इंडिपेंडेंस से पहले हम एक ही पार्ट में डिसाइड हुए कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी यूनियन से नहीं मिलेंगे। ये बात तब छोड़ दी क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी हंगामा कर रही है इंडिया में, और पाकिस्तान इज फेवरेट फॉर अमेरिका, और रशिया के लिए भी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इस्लाम आ जाती है, तो इंडिया को झुका नहीं पाई। मगर तब उसका नजरिया वेस्ट एशिया में था, जो वो इंडिया को छोड़ दी। मगर जब से चाइना का डेवलपमेंट हुआ तो उसको लिए एक बेसमेंट चाहिए, तो बेसमेंट चाहिए तो वो ताइवान में सपोर्ट करती है ताइवान को, मगर वहां पे बेसमेंट चाइना बनवा नहीं चाहती। तो ईस्ट एशिया में कौन सा ऐसा जगह है जहां चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं है, और वहां पे कदम रखकर हर दिन हर घंटे चाइना पर नजर रखकर ईस्ट एशिया को लूटने के लिए कुछ बेसमेंट है। इसके लिए हमको एक क्वाड ये सब साजिश बनाया, एक क्वाड एक डम्मी है, इसमें से हम आज अगर अब इस वक्त हम से चाइना से या पाकिस्तान से टकराव हुआ तो अमेरिका नहीं आएंगे, क्योंकि अमेरिका अब बिजी इन प्रोटेक्टिंग ज्यूइश इन इजराइल, तो अमेरिका ब्रिटेन सो कोई भी देश हमारे सपोर्ट में नहीं आएगा। ये क्वाड एक डम्मी थीरी है, इससे आप जाग जाइए प्लीज। अमेरिका का इस सेकेंड थीरी ऑफ लुकिंग ईस्ट एशिया को बारे में हम देख, चाइना बना नहीं देती, इंडिया झुक नहीं रही, तो और म्यांमार वो देखे तो वो चाइना की, बांग्लादेश देखे तो चाइना की टूवर्ड्स टिल्ट हो गई, और इंडिया देखे तो वो किसी यूनियन से मिल रही रही, वो और 5 ट्रिलियन की और जा रही है। तो सेकंड थीरी को जो साइलेंटली करवा रहे थे 1999 कारगिल वार के बाद, वो अब सक्सेसफुल होने वाली है, इसीलिए वो वैसे ने जय पालस्तीना बोला। तो पालस्तीना कैसे बनेंगे, एक्चुअली अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया विल बी ए शेल्टर फॉर सीरियंस, तालिबान्स, जो भी मुस्लिम्स है, जो भी इस युद्ध कोल्ड वार में नष्ट हुए वो सब का शेल्टर बनेगी नॉर्थ इंडिया। जो भी बांग्लादेश से आ रहा है फेक पासपोर्ट बना के इंडिया में, वो एक्चुअली बांग्लादेशी कल्चर को मानने वाला नहीं है। बांग्लादेश को पहले से ईस्ट पाकिस्तान, जो भी जमात इस्लाम जो उम्मा की रूल की तरफ टिल्टेड है, इंडिपेंडेंट रहना नहीं चाहती, वो शेख हसीना गवर्नमेंट को फेवरेज नहीं करेगी। वो लोग पाकिस्तान आईएसआईएस से राहुल बाबा जॉर्ज सोरोस का पांव पकड़कर 99 सीट्स देके, वैसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना अगेंस्ट जाने वाले उनका पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका के पांव पकड़े। सेम थीरी होती है, वैसे फॉरेन हैंड होती है हर देश में इलेक्शंस में, वो कोई नई चीज है। मगर इससे फॉरेन हैंड इन्फ्लुएंस अगर किसी देश का अंग टूट गए, किसी देश का जो पार्ट टूट गया, तो वो सोचने वाली बात। वही डेमोग्राफिक चेंज को यहाँ के लोग बेचारे रोहिंग्या, बोट में रहने वाले रोहिंग्या, ऐसा इनका वर्ल्ड में एक सिंपैथी क्रिएट करने वाले यहाँ के गार्डियन, ये न्यूज़पेपर्स, ये जो
टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब में हिंदू, ये लोग कभी रियल सिनारियो देशवासियों को नहीं बोलते। 1947 में भी यही हुआ, हिंदू को अगवा नहीं किया कि भारत देश रिलीजन की बेस में टूट रही है। तो इसीलिए किसी मुस्लिम को यहाँ रहने पर आप मजबूर कह रही है ताकि वो पाकिस्तान चले जाए, क्योंकि उन्होंने वोट किया बोल के। अब यही स्टेटमेंट फिर से बीजेपी के एमपी, झारखंड के एमपी हेमंत बिश्व शर्मा दोहरा रहे। अब दोहरा के क्या फायदा, जब हमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो हम इसको कैसे पकड़ेंगे। तो जे पालस्तीने का सीक्रेट कोड पाकिस्तान और अमेरिका का साजिश में काले दो देश नहीं है। इसमें हम कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि इजराइल भी, नाटो देश भी इसमें जुड़ चुका है, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट का देखने का उनका नज़रिया है चिकन नेक का, और बांग्लादेश को फिर से टूटवाना ये पाकिस्तान का जीवन भर का एजेंडा है। इस एजेंडा में कामयाब होने का सिंपल और सटीक रास्ता है, यहाँ के अपोजिशन को पकड़ो, ब्रेन वॉश करो, उनको यूज़ करो। इसीलिए यहाँ के इंडी पार्टीज इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, राहुल गांधी कैस्ट सेंसस के लिए दबाव डाल रहे। इजी वे टू सेटल डाउन, इवन पालस्तीना लोग भी आकर यहाँ पे सेटल होंगे, इसीलिए मिनी पालस्तीना बोल के, जय पालस्तीना बोल के वो वैसे अपना खुशी छुपा नहीं सका। यही है उनका रियल एजेंडा। और इस एजेंडा में मणिपुर जल, ये तीसरा पॉइंट है, मणिपुर क्यों जल रही है, इसके लिए क्वेश्चन मोदी जी को पूछने वाले से पूछना चाहती हूँ। म्यांमार में कुकी जो और रोहिंग्या मिलकर रह नहीं सकते, वो देश छोड़कर भागते हैं, मगर मणिपुर में जो ये लोग रोहिंग्या और कुकी जो एथिकल ब्रदर्स कैसे बन गए, और बायोलॉजिकल ब्रदर्स माइटी पीपल से वो लोग क्यों लड़ रहे हैं, आप ये विश्लेषण कीजिए। सॉल्यूशन फॉर नॉर्थ ईस्ट, इसका एक सिंपल तरीका है और इजी वे है, ट्रिपली यानी एक्सप्रेस, एजुकेट एंड एग्जीक्यूट। एक्सप्रेस क्या करना है, गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव को लेकर रिवर्स स्लोगरिंग करना है ना मणिपुर में, कुकी जो रोहिंग्यास आर नॉट ब्रदर्स, कुकी जो और माइटीज आर बायोलॉजिकल ब्रदर्स बोल के रिवर्स स्लोगरिंग लेके आना है, और एनआरसी पर सारे जनता को एजुकेट कर, एक्सप्रेस करते हुए उसको एजुकेट करना है। लास्टली मीडिया भी इसमें, राइट विंग मीडिया भी बहुत सारे कैंपेन्स चलाना है ताकि पीपल, जनता एजुकेट हो। और थर्ड लास्टली एग्जीक्यूशन करना है विथ एनआरसी एंड नॉट डूइंग सेंसेक्स, रिलीजियस बेस्ड सेंसेक्स करना नहीं करना चाहिए अभी, और इसको एग्जीक्यूट करते हुए बांग्लादेश को हम चीन से बाहर लेके आना चाहिए, और म्यांमार गवर्नमेंट से लगातार टॉक्स करते हुए, नेपाल गवर्नमेंट से करते हुए ग्रेट वॉल क्रिएट करना है, ताकि बॉर्डर्स जब सुरक्षित होंगे तो ऐसे लोग नहीं आ सकते हैं, जो भी आए हैं उनको एनआरसी से निकाल दे सकते हैं। असम तक नहीं रुका, मणिपुर, नागालैंड वाले भी अब इंडिपेंडेंट नागालैंड के लिए, ये सारे जो भी अभी तक चुप है वो लोग एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अनसेफ है नॉर्थ ईस्ट। सो एनआरसी लागू होना ही नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर माइटीज से नागालैंड जो भी हिंदू है नॉर्थ ईस्ट में उनसे अपील करना चाहती हूँ, बांग्लादेश आपका खुद का जो भी घर है उसको आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बार बार मुस्लिम सारे है बोल के वहां से वेकेट मत कीजिए, आपको कभी भी जगह नहीं मिलेगी, एक बार आप वेकेट कर दिया तो। जैसे ईस्ट पाकिस्तान में सारे कन्वर्ट हो गए, आप कन्वर्ट नहीं हो जाए, आपका ट्राइबल वुमेन को रक्षा कीजिए, कुकी जो और रोहिंग्या आर नॉट ब्रदर, एथिकल ब्रदर, माइटी पीपल है वो, उसको आप कितना स्पॉन्सर्ड करेंगे, कितना कैंपेन चलाएंगे, ये अब मीडिया के, राइट विंग मीडिया के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अब देश आपके हाथ में दोस्तों, क्यों आप ही की बचा सकते हैं। ये कोई गवर्नमेंट का एजेंडा से ये नहीं होगा, ये इंटरनल वार शुरू हो गई है, उसको पहचानिए। फिर एक वीडियो मिलने तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।